हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस डंडा मार रही है, क्या करें? आप बताओ क्या खाएं? कहीं चोरी कर नहीं सकते, डकैती डाल नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे? आप बोलिए। आप कहने में शर्म आती है कि हमारे मोदी मंत्री जी ने है जो गरीबों को तो बहुत ही सताया। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं इटावा में, और इटावा की जो नहर है लोकसई नहर, उसी के किनारे हम लोग बैठे हुए हैं, और हमारे पास कुछ लोग हैं, किसान लोग हैं और भी साथी हैं, बाबा हैं। तो हम इन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे, इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस बार वहाँ पर उसमें क्या माहौल रहने वाला है इटावा का। अगर बात की जाए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जी की, तो उनके बारे में लोगों का क्या सोचना है, यही सब बातें करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? हमारा नाम तेज सिंह है। तेज सिंह जी, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहाँ के रहने वाले हैं। ये कौन से गांव के? बिजपुरी खेड़ा। अच्छा, ये भी बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव हैं तो कई छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, जैसे शिवपाल यादव जी जो उनके चाचा जी हैं पिछली बार अलग हुए थे, तो इस बार उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपको लग रहा है इसका कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है। जीतना मुश्किल लग रहा है समाजवादी पार्टी का? आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी? अच्छा, जैसे लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन की बात की जाए, तो इसमें भी कई सारी जो अस्पताल में बेड की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, और कई सारे किसान भी परेशान हुए, तो आपको नहीं लग रहा कि भाजपा से लोग नाराज हैं? नहीं, नाराज तो हैं, लेकिन कारण क्या है? जब कोई ऊपर से मान ले कोई चीज़, मान ले है 100% है, और 100% मंच पहुँच चुके हैं, तो अब गिनती मोदी की थोड़ी है। अच्छा, अब गैस कहाँ से आए? इसलिए गैस कमी हो रही थी। नहीं तो ये जैसे बात कही जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि महामारी आने वाली है, लेकिन फिर भी उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था। आपको वो तो बात सही है, वो तो आप कहने में शर्म आती है कि हमारे मोदी मंत्री जी ने है जो गरीबों को तो बहुत ही सताया है। तो लेकिन मतलब कैसे, क्या क्या समस्या आई आपको, क्या बताइए समस्या? क्या हम लोग मजदूर वर्ग के आदमी हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस डंडा मार रही है, क्या करें? आप बताओ क्या खाएं? कहीं चोरी कर नहीं सकते, डकैती डाल नहीं सकते हैं, हम क्या करेंगे? आप बोलिए। आप सही बात है, तो ये मुसीबत है कि नहीं? नहीं, सही मुसीबत तो है। अब बच्चे दो टाइम रोटी न खाने से तीन टाइम में भी एक रोटी मिल जाए तो बहुत समझ, मजदूर आदमी क्या करे? आप बताओ। तो फिर भी आप कह रहे हो समय वो उसकी भाजपा की सरकार बनेगी, नाराजगी आपकी है भारतीय जनता पार्टी से, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी या फिर भाजपा की बनेगी? अब बताएं आपको कि हम आप घर में रह रहे हैं तो आपके साथ बजाने पड़े। अच्छा, बस नहीं बजाते हैं तो फांसी लगी और जा रही है। तो आपको मतलब ये लग रहा है कोई भारतीय जनता पार्टी का एक डर है, ऐसा कुछ दबाव है आसपास की तरफ से, किसी लोगों की तरफ से हो चाहे किसी तरफ से? वैसे हमारे यहाँ अगर जो मेरी अगर जो यहाँ पर अगर सपा सरकार आ जाती है तो हम लोगों को सुराज्य है, सुकून है। आप सुकून। तो मतलब अगर दिल से अगर आपसे पूछा जाए तो आप सपा चाहते हो बस लेकिन आपको, आप कह भी रहे हो कि भाजपा भी आ सकती है, क्या कहीं और? अच्छा, मजबूरी है। अच्छा, तो आप क्या काम करते हो? मेहनत मजदूर करते हैं। खेत वगैरह भी आपके? खेती बाड़ी नहीं, केवल मजदूरी। मजदूरी करते हो कहाँ पे? इटावा में? हाँ। अच्छा, इटावा पहुँच ही नहीं पाते भैया। अच्छा। वो डंडा पर देखे है जो कई एक बार सब पीठ और टूट गई। अच्छा। भागे भैया था मजदूरी।